हेलो, कैसे हो बच्चों? तो आज आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूं कि रैशनल नंबर जो होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। और रैशनल नंबर में, दो रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताई थी और ये बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि रैशनल नंबर सभी नंबर्स का जनरेटर है, ग्रैंडफादर है। ये समझ लो, जितने रियल नंबर्स हैं उनमें से एक रैशनल और एक इरेशनल होता है। तो रैशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का और होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, इन सब का दादा है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है कि इनको हम कहेंगे कि जैसे रैशनल नंबर, थोड़ा सा इसको और डिटेल समझ ले ताकि याद हो जाए अच्छी तरह से कि रैशनल नंबर में से ही आता है क्या क्या। रैशनल नंबर्स में से आता है हमारा फ्रैक्शन नंबर। तो ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर होता है और इंटीग्रल नंबर होता है, ये बताया था आपको, है ना? तो और इंटीग्रल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स मिलके रैशनल नंबर बनता है। जैसे इंटीग्रल नंबर 2 -3 -4 -5 -2, इस तरह के 0, ये सारे नंबर मिल करके रैशनल नंबर बनाते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर जैसे 2/5, 1/2, -3/7, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शनल नंबर है, ये सब भी रैशनल नंबर का पार्ट होता है। तो ये दो रैशनल नंबर है, क्या इनके बीच में रैशनल नंबर हो सकता है? यस, हो सकता है। कितने हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। यही बात आज हमें सीखनी है कि कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे अब और थोड़ी सी डिटेल अगर समझें तो कहेंगे कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है और जितने भी होल नंबर है वो भी, इंटीग्रल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है। तो अगर मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन पे हम बात करें तो इस नंबर लाइन पे यहाँ पे ये 0 है, मान लीजिए ये है 0, है ना? और ये है 1 और ये है 2। तो 0, 1, 2 ये सब नंबर लिखे हैं, इधर में क्या होंगे? -1, इधर में क्या होंगे? -2। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 अगर हमें मार्क करना हो तो कहाँ होगा? यहाँ होगा। 1/2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं? 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है और उन दोनों के बीच में 1/2 भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी नंबर हो सकता है 1/4 और इन दोनों के बीच में एक यहाँ भी नंबर हो सकता है 3/4। इस दोनों के बीच में एक और नंबर हो सकता है 1/8, हो सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से हम कई सारे नंबर्स अभी 0 और 1 के बीच में ले आए। जितने पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट है बच्चों? तो इनफाइनाइट। इसलिए इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अनगिनत अनगिनत बिंदुओं का समूह है, बहुत सारे पॉइंट्स का एक्युमुलेशन है एक लाइन। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अनगिनत, है ना? तो जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। यहाँ पे भी कितने पॉइंट्स हैं? ये अनगिनत पॉइंट्स हैं, हम तो इतने बना पा रहे हैं बट और भी हैं। इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे अनगिनत हैं। तो बहुत सारे जितने पॉइंट्स हैं उतने रैशनल नंबर होंगे। तो पहला चीज, दो तीन बातें आप याद कर सकते हो लिख करके कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज यानी उल्टा सही नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू। क्यों? जीरो जो है वो होल नंबर में है, जीरो इज ए होल नंबर व्हिच इज नॉट नेचुरल नंबर। कोई पूछे कि ऐसा कैसे, तो बताए जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्या होल नंबर सारे रैशनल नंबर है? यस, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो दिमाग में रखना है, फ्रैक्शनल नंबर भी सारे होल नंबर होते हैं। अब कोई कहे आपसे कि वन और टू के बीच में आप तीन रैशनल नंबर बताइए, एक वन और टू के बीच में थ्री रैशनल नंबर्स, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कहा जाए, क्वेश्चन हो कि इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर्स, इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर्स, इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर्स, थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू, वन एंड टू, तो आप कैसे करोगे? वन और टू के बीच में आपको तीन रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है? तो वन और टू के बीच में कितने रैशनल नंबर आप बता सकते हैं? बता तो अनगिनत सकते हैं, तो कौन से तीन बताने हैं? कोई भी तीन बताने हैं जो आपको पसंद आए। तो तीन रैशनल नंबर निकालने का तरीका ये है, जो इक्वी डिस्टेंस हो, वैसे तो अनगिनत हो सकते हैं, आप क्या करो कि इसको फोर से डिवाइड कर दो, दोनों को। वन एंड टू इज सेम एज, इसको फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 4/4 एंड ये होगा 8/4, टू ऑल्सो, और इनके बीच में दैट इज 4/4 एंड 8/4, और इसके बीच में आप क्या क्या हो सकता है, 4/4 और 8/4 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 5/3 नंबर्स इन बिटवीन, थ्री रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 5/4, 6/4, 7/4, है ना? ये तीन रैशनल नंबर आ गए और ये तीनों इनके बीच में ही है, तो ये तीन रैशनल नंबर आ गए। यानी जितने रैशनल नंबर निकालना होता है उससे एक ज्यादा से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या क्या स्टेप हुआ बच्चों? एक स्टेप ये हुआ कि जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, अगर एन रैशनल नंबर निकालने हैं तो एन प्लस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन, एन रैशनल नंबर निकालने हैं तो एन प्लस वन, थ्री निकालनी है तो हम फोर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से फोर निकालना होता तो फाइव से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स निकालना हो तो सेवन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऐसे। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब अगर नंबर लाइन सिस्टम पे ये रैशनल नंबर कहा जाए कि बताइए कहाँ है ये रैशनल नंबर जो आपने निकाला, ये कहाँ है बताइए, तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये जीरो है, ये है वन और ये है टू और ये है थ्री, कहीं इधर थ्री होगा, है ना? तो वन, ये वन को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं और इसको 8/4 भी लिख सकते हैं। इसके बीच में तीन नंबर, अगर 1/4 है तो इसके तीन टुकड़े होने चाहिए, ये 5/4 होगा, ये 6/4 होगा, ये 7/4 होगा, तो ये हो गया 5/4, ये हो गया 6/4 और ये हो गया 7/4, और ये दोनों किनारे जो है ये 4/4 दैट इज वन और 8/4 दैट इज टू, ये टू से छोटा है, ये भी टू से छोटा है, ये भी टू से छोटा है, ये बेसिकली है क्या, ये है 1.25, ये क्या है, ये है 1.5 और ये है 1.75। तो इस तरीके से ये तीन नंबर आपको मिल गए हैं जो वन और टू के बीच में। तो फैक्ट ये है कि ये वन है, ये टू है, ये है 1.25, ये है 1.5, ये है 1.75, है ना? तो इस तरीके से ये तीन रैशनल नंबर इनके बीच में आपको मिल गए जो इक्विडिस्टेंस है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही तीन लिखे जाएं, लिखने के लिए तो आप कितने भी लिख सकते हैं। क्या इन दोनों के बीच में पॉइंट्स नहीं है? हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे 1.50 के बाद क्या होगा, 1.51, 1.52, 1.53, जैसे इनके बीच में ही हम कितने सारे नंबर ले सकते हैं, 1.51, 1.52, है ना, 1.53, 1.54, 1.55, है ना। इस तरीके से कितने नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, इनके बीच में ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 52, 1.53, 1.54, 1.55, है ना, इस तरीके से कहां तक, 1.74 तक। अब आप कहो कि अच्छा आप तो चलिए आपने ये भी लिख दिया, क्या इन दोनों के बीच में भी नंबर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर हो सकते। कैसे, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, ऐसे करते करते भी नंबर होंगे। ये सब इनके बीच है, 1.52 से तो कम है ही है। इनके बीच में भी नंबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, 1.511, 1.5112, ऐसे। तो नंबर्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइए अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए जाए, है ना। लिखा है, इन इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, ये हमने पहले भी बता रखा है। व्हाई? बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस एज, यस इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 एटसेट्रा। देयर कैन बी इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन वेयर डिनोमिनेटर दैट इज क्यू, दैट इज, व्हाट इज क्यू हियर, 1, 2, 3, 5 एटसेट्रा, दे आर नॉट इक्वल टू जीरो एंड 0 एंड 1 आर इंटीजर्स। सो एक कोई एक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0/4 ही लिख दिया, वेयर 0 इज इंटीजर, इंटीजर 4 इज इंटीजर एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट लाइक दिस, एंड कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। आपका जवाब हुआ कि 0 इज ए रैशनल नंबर, जवाब है यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये जवाब हो गई हमारा, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। कैन वी राइट पी बाई इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यस वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड नॉट ओनली वन बट देयर वुड बी इनफाइनाइट वे टू राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यस 0 इज इंटीजर, 4 इज इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, सो आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो दैट इज 3 × 7/7 एंड 4 × 7/7, इनके बीच में हमें निकालना है। दैट इज किसके किसके बीच में, 21/7 एंड किसके बीच में, 28/7, और इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स आर, 6 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो सकते हैं बताओ, 21/7 से आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। सो ये 6 रैशनल नंबर इनके बीच में आ गए। सो द रिक्वायर्ड 6 रैशनल नंबर्स आर लाइक दिस। तो ये आंसर हो गए, समझ आया क्या करना है, कितने रैशनल नंबर निकालने थे आपको, रैशनल नंबर निकालने थे 6। तो हमने क्या बताया है कि n+1 से डिवाइड करो, यानी जितने निकालना है उससे एक ज्यादा, तो
सिक्स से एक ज्यादा सेवन से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये हो गया 7 3 21/7, ये 7 4 28/7। और उनके बीच में डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, नोमिनेटर एक एक करके बढ़ाते जाना है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये सिक्स रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला सवाल है हमारे पास, फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। अब इनके बीच में फाइव रैशनल नंबर, तो चूंकि अगेन हमें फाइव रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सो 3 × 6/5 × 6 एंड 4 × 6/5 × 6, दैट इज बिटवीन 6 3 = 18/30 एंड व्हाट। इवन आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दोनों जगह कट रहा है, 18/30 एंड व्हाट, 18/30 एंड 6 4 = 24/30, ये कर सकते हैं। तो 18/30 एंड 24/30, इसको आप चाहें तो चूंकि 3 से कट जाएगा ये पूरा, 6 से ही कट जाएगा, वैसे काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइव रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हम फाइव रैशनल नंबर इसके आगे लिख देंगे बिटवीन। देयर फोर फाइव रैशनल नंबर्स आर, सो द फाइव रैशनल नंबर्स आर व्हाट, 18, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। अगला 24/30 आएगा, उसके बीच में लिखना था, मतलब उन दोनों को छोड़ के, तो ये पांच रैशनल नंबर हो गए। इनको चाहो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/3 भी लिख सकते हो, इसको 11/15 भी लिख सकते हो, इसको 7/10 भी लिख सकते हो, जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कैंसिल करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 19/30, इसको 2/3, इसको 7/10, इसको 11/15 और इसको 23/30, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब पांचों के पांचों इनके ही बीच में है, ठीक है, इनके बीच में। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। क्या करना है बच्चों, जितने रैशनल नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं उससे एक ज्यादा से हमें, जैसे फाइव कैलकुलेट करना है तो सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 3/5 इज इक्विवेलेंट टू 18/30, बताया था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में पहले कैलकुलेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बीच में आसानी से हम जितने रैशनल नंबर हमें चाहिए उतने हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, नोट कर लो इसको। अगला सवाल है ये देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, बताया ये ट्रू है, ट्रू है ना, क्योंकि होल नंबर में ही नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज होल नंबर, तो नेचुरल नंबर से थोड़ा ज्यादा ही होता है होल नंबर में, तो जितने नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर है। अगर ये कहूं कि ये पूरा होल नंबर का सीक्वेंस है, इसको होल नंबर का ये डोमेन है, तो नेचुरल नंबर इसके अंदर है, ये है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर, सम होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल जीरो हमने पीछे बताया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर होल नंबर है, इंटीजर में निगेटिव भी इंटीजर होता है, द निगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर, सो आंसर इज फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे कि निगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर, निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर, पार्ट ऑफ होल नंबर्स,
ठीक है। पहले का पार्ट ये हो गया कि होल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, होल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड जीरो भी होता है, तो ये मिलाकर के होल नंबर होता है, ठीक है ना। ये जीरो बाहर है, सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये सारे नेचुरल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो, ये भी है फॉल्स। क्यों? एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये है बड़ा सा, रैशनल नंबर का डोमेन, और इसमें आता है होल नंबर, है ना, और उसमें आता है नेचुरल नंबर, है ना। तो ये ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। सो रैशनल नंबर इंक्लूड्स होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट होल नंबर, बट इट इज नॉट होल नंबर। तो ये एक गलत है, जैसे 2/3, -3/7, 9/11, निगेटिव नंबर्स, ये सारे जो होते हैं ये रैशनल नंबर तो होते हैं, -2, -3, ये सब रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये ट्रू है कि फॉल्स? ये है फॉल्स, ठीक है। तो आप समझ पाए कि रैशनल नंबर की करेक्टरिस्टिक क्या है, रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं, और रैशनल नंबर इंक्लूड्स होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, आल्सो नेगेटिव इंटीजर्स, बट ऑल देम आर इंक्लूडेड इन सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये सब होते हैं, इसलिए हम पूछे कि नेगेटिव इंटीजर रैशनल नंबर है, यस। पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर है, यस। होल नंबर रैशनल नंबर है, यस। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, यस। फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर है, यस। सब रैशनल नंबर है। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है, नो। सारे रैशनल नंबर होल नंबर है, नो। सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, नो, ठीक है ना। सारे रैशनल नंबर निगेटिव इंटीजर होते हैं, नो। तो उल्टा जो होगा वो सब गलत होगा, और डायरेक्ट करेंगे तो सारे सही होंगे। तो ये सारे सवाल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे उम्मीद है, और अगली ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तो अगले क्लास में फिर बात करते हैं आपको कि इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल हमने सीख लिया, अब बात आई इरेशनल नंबर क्या होता है, एक नया तरह का नंबर होता है, उसके बारे में भी हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक एंजॉय करो, ठीक है।